एक दिन घास में रेत का एक दाना मिला जिसकी लाल रंग की चमक आसपास बिखर रही थी। 10 सेंटीमीटर का होने तक वो 4 पैरों वाले डीमन में बदल चुका था। इसका नाम अना है। अना! तुम इसे अपने साथ रखना चाहते हो? हाँ मॉम। चलो ठीक है। तुम ही मेरी दुनिया हो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। ना, ना, ना। कितनी प्यारी हो। ये डीमन यूजर्स हैं। प्यार से वो डीमन दोगे या मुझे कुछ करना होगा? एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। एक स्टोरेज डीमन को पकड़ने के लिए पूरे 100 मिलियन येन दे रहे हैं वो। केंदो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सफर पे वो भी अकेले? क्यूशु आइलैंड में कोई डीमन है जो टाइम को रिवाइंड कर सकता है। डीमन तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। जो डीमंस किसी काम के नहीं होते उन्हें मार दिया जाता है, नहीं तो वो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। आखिर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हो कायदे? ताकि मैं अना को करीब से जान सकूं। उस भयानक डीमन पर हमले के लिए तैयार हो जाओ। वो डेमोनियम पार्टिकल जरूर उसके सिर के अंदर है। अगर वो अंडे से निकला तो लड़के का बचना नामुमकिन है। मतलब केंटो भी? इंसानों से नफरत हो गई है, उसका अगला निशाना क्या है? ये लड़का और डीमंस एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। तुम्हें अब कोई खतरा नहीं। जब तक तुझ जैसे कीड़े जिंदा है, इंसान कभी चैन की सांस नहीं ले सकता। तुम आज भी हमारी नहीं, इंसानों की ही तरफ। तुम तो वही हो। इंसान और डीमन साथ नहीं रह सकते, पर केंटो और अना को देखकर लगता है कि ये मुमकिन है। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ ना, तुम फिक्र मत करना। ये कैसे हो गया? क्या हुआ अना, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई?